अबे टायर पूरा जल गया भाई, पूरा जल गया। अबे हाथ ही जल गए यार, पूरा का पूरा बर्नआउट मार दिए और टायर देखो भाई जल के पूरा राख हो गया भाई। और गाइस तुम्हारे भाई ने तो सोचा था कि भाई टायर अपना हल्का सा होगा बाइक का, लेकिन ये तो यार 3-4 किलो का है, ब्रांड न्यू टायर है MRF का, जो अपनी बाइक पे लगने जा रहा है। बहुत सारे अंकल मिले अपने को। अंकल जी हेलो कर दो एक बार इसमें, जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, जो जो अपने को भाई लोग मिलते हैं ना तो उनका नाम लिखते हैं बाइक पे। यहाँ पे लगभग 285 नाम है, 285, 1000 नाम लिखने का टारगेट लिया है। आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ फ्रेश न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। गाइज फाइनली यहाँ पे हो चुका है अपना फाइनली नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की शुरुआत हो रही है भाई बढ़िया से मोमेंटो के साथ, बढ़िया से गिफ्ट के साथ, जो कि भाई पापा को मिला है। जय श्री श्याम जय श्री श्याम। और आपको बताता हूँ भाई ये गिफ्ट मिला किस लिए है, ये मोमेंटो मिला किस लिए है। हम लोगों ने सभी ने मिलके भाई 31 तारीख को श्याम बाबा जी का बढ़िया सा सत्संग कराया था। हाँ तो भाई उसी के उपलक्ष्य में ही मिला है। पापा ना उस मंडल के ना मेंबर है, बीच में सदस्य है। अच्छा उनके तो मेंबर हैं, सम्मानित किया बेटा इससे। हाँ तो भाई ये सीन है, बाकी जो भी कहो भाई गिफ्ट है ना बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मस्त बना। मम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। आज छुट्टी का कौन सा दिन आप बताइए? आज मुझे लग रहा है भाई मम्मी की छुट्टी का पूरा तीसरा दिन है, दिन है ना, तीसरा दिन है ना मम्मा। यस। चलो भाई 1 से लेके 15 तारीख की फुल फ्लैश छुट्टियां हैं, और सुबह सुबह भाई घर थोड़ा सा ना खाली खाली लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, क्योंकि भाई सुबह सुबह ही बुआ जी जा चुके हैं अपने घर पे, क्योंकि मम्मा कल तो बाई चांस छुट्टी हो गई थी है ना, कल बस की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, आज थी तो बुआ सुबह सुबह चले गए। चलो ठीक है यार, बुआ और अपने घर पे मस्त पहुंच जाए, आराम से पहुंच जाए, सेफली पहुंच जाए। बाकी फिलहाल सुबह का टाइम हो रहा है 12:02 यानी 12:30 होने वाले हैं, और तुम्हारे भाई का गला पूरा फुल फ्लैश अटका हुआ है, बिल्कुल इंजन की तरह जिसमें पेट्रोल नहीं होता। हमारे में भी पेट्रोल नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो भाई सुबह सुबह देखते हैं बढ़िया ब्रेकफास्ट में बना क्या है, लेकिन उससे पहले इसको सही जगह दे देते हैं भाई घर में। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मोमेंटो को एक बढ़िया सी जगह मिल चुकी है। भाई गया सीधा नीचे, बाकी भाई जगह देखो क्या परफेक्ट लग रही है ना। हाँ अभी सही लग रहा है। मम्मी ये क्या छुट्टी वाले दिन साफ बना दिया? लच्छा परौंठा बेटा। भाई लच्छा परौंठा है, लच्छा परौंठा जिस जिसके घर बनता है मम्मी बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ है ना मम्मा, बताओ कि नहीं? ओके बिल्कुल जरूर बताओ भाई। ये देखो तो गाइस आज का अपना छुट्टियों का स्पेशल सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है, उसमें है भाई अपनी बढ़िया परौंठी, और साथ में है भाई घर का बना हुआ प्योर मक्खन, साथ में मिठाई भी है और बढ़िया चाय भी है। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे तुम्हारे भाई का खाना पीना ब्रेकफास्ट हो चुका है, फुल पावर डन, और फिलहाल हम लोग आए हैं भाई घर से बाहर, स्वीट होम से बाहर। हम लोग राइड तो करते हैं भाई बिल्कुल कंटिन्यू, हफ्ते में महीने में बिल्कुल पूरे पूरे महीने करते हैं, लेकिन 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 अपनी जो बाइक की मेंटेनेंस है ना भाई वो नहीं हो पाती। देखो भाई टायर की कंडीशन, भाई टायर इसका पूरा घिस चुका है भाई, इधर देखो जो एक कट होते हैं ना भाई एकदम गायब हो चुके हैं। आज का प्लान कुछ ऐसा है, पहले तो अपना घिसा हुआ टायर चेंज करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑन पब्लिक डिमांड, ऑन अपने फैमिली मेंबर्स डिमांड, ऑन अपने भाई डिमांड इसको बर्नआउट दिखाएंगे है ना, मतलब टायर को एकदम मशीन की तरह घुमा डालेंगे है ना, धुआं धुआं कर डालेंगे। तो भाई ये तो टायर ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, तो इसका तो आगे कोई काम है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 20,000 किलोमीटर चल चुका है। रेडी भाई? रेडी। चलो भाई तो गाइस फाइनली हम लोग बाइक को लेके एक ऑफ रोड स्ट्रेच पे आ चुके हैं, पैच पे आ चुके हैं। जरा वहां दिखाओ भाई कैसा लग रहा है, बिल्कुल मिट्टी वाले एरिया में। आपको पता ही है कि भाई हमने अपने टायर को चेंज कराना है, और अपनी बाइक का नया टायर भी हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया है, बहुत मोटे वाला चौड़े वाला। इसके बाद चलेंगे MRF एजेंसी में टायर चेंज कराने, लेकिन उससे पहले आपको बढ़िया सा बर्नआउट दिखाते हैं, तो बर्नआउट एंजॉय करो, लेट्स गो।
तो गाइस फाइनली टायर को चेंज कराने से पहले, नया टायर डलवाने से पहले जरा यहाँ पे बाइक की कंडीशन देखो भाई। अबे टायर पूरा जल गया भाई, पूरा जल गया। अबे हाथ ही जल गए यार, इतना गर्म टायर। भाई साहब जरा यहाँ देखो भाई, टायर पूरा जल चुका है भाई, जल के बिल्कुल काला, पूरा का पूरा बर्नआउट मार दिया है। और टायर देखो भाई, जल के पूरा राख हो गया भाई। भाई ये क्या करा दिया तूने, पूरा टायर जलवा दिया भाई साहब। बर्नआउट में भाई ऐसा ही सीन होता है, अपना टायर पहले ही रफ था तभी बर्नआउट मारा, वरना ट्राई मत करना, है ना भाई? तो भाई इसके बाद नया टायर लगाएंगे, होप करता हूँ आपने बर्नआउट पसंद किया होगा। और मिट्टी देखो भाई, जहाँ पे बर्नआउट मारा है बिल्कुल काली हो गई है। तो जी गाइस फाइनली अपने बाइक का बढ़िया सा बर्नआउट मारने के बाद हम लोग पहुंचे हैं फाइनली गोहाना के एनआरएफ एजेंसी में। जरा यहाँ देखो भाई, ऑलमोस्ट रोहतक रोड पे है भाई, अपने बस स्टैंड के आसपास, वहाँ बस स्टैंड है तो इसलिए हल्का फुल्का ट्रैफिक है। और अपना टायर है भाई देखो बिल्कुल सामने, नया सा, वो दिखाते हैं। पहले इस वाले टायर की कंडीशन चेक करो भाई, टोटली खत्म है। भैया कैसे हो, बढ़िया? एक बार ऐसे हेलो कर दो। तो ये बिल्कुल खत्म ही है ना टायर? ये बिल्कुल खत्म है। और नए वाला कितना चल जाएगा अपना? 25,000 किलोमीटर लगभग 25,000 चल जाता है, क्योंकि भाई ये थोड़ी बाइक हैवी है, स्पीड थोड़ी ज्यादा है, वरना 50,000 चल जाता है ना अंकल जी? हाँ वैसे 50 चल जाता है, इसका 25 चलता है। जरा आपको टायर का ना एक बार लुक दिखाता हूँ कि भाई शुरुआत में जब टायर एक भी किलोमीटर नहीं चला होता वो कैसा होता है। और आपको पता लग ही गया भाई, 20,000 के बाद कुछ ऐसी कंडीशन होती है टायर की, बिल्कुल खत्म, पैटर्न बिल्कुल खत्म। और जरा टायर देखो भाई, MRF का क्या ही मस्त लग रहा है भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है। डिजाइन है ना भाई, अपने को वही पसंद आए थे, और यही अपनी बाइक के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सेट था, फिट था। और गाइस तुम्हारे भाई ने तो सोचा था कि भाई टायर अपना हल्का सा होगा बाइक का, लेकिन ये तो यार 3-4 किलो का है, और बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है MRF का जो अपनी बाइक पे लगने जा रहा है। फाइनली यहाँ पे अपनी बाइक का नया नया वाला टायर हो चुका है भाई, एकदम परफेक्ट तरीके से फिट। और जरा अब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ भाई, टायर नए वाला लग कैसे रहा है, कैसा नहीं लग रहा, या पहले वाला ठीक था? ये एक्चुअली MRF वाला है, और पिछले वाला TVS वाला था भाई, तो भाई उसका अलग एक्सपीरियंस था, इसका अलग है। बाकी भैया ने मस्त काम कर दिया, भैया थैंक यू सो मच। चलो ठीक है अंकल जी, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके फिलहाल गाइस अपने को ना राइड पे निकलना था, पूरे 12:30 बजे टाइम हो रहा अभी का भाई, 3:30 बजे पूरे 3 घंटे लेट है। चलते हैं फटाफट राइड पे, कंटिन्यू करते हैं नए टायर के साथ, तो लेट्स गो। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग रेडी हैं आज की मॉर्निंग स्पेशल राइड के लिए। वैसे मैं मॉर्निंग तो नहीं कह सकता भाई, क्योंकि टाइम अभी का हो रहा है भाई 4:30, 4:31, ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है। आपको पता ही है भाई, एक तो बर्नआउट मारने में, दूसरी बात है टायर चेंज कराने में इतना टाइम लग गया ना भाई, क्या ही बताऊं। लेकिन ओवरऑल एट द एंड जो काम हो के आया भाई, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट, लुकिंग लाइक वाओ, एलिगेंट एंड नेक्स्ट लेवल, यानी भाई मज़ा आ गया टायर को देख के। और मुझे कमेंट सेक्शन में भाई हर किसी का कमेंट चाहिए, जो जो अपनी राइड देखता है कि भाई पहले वाला TVS वाला टायर बढ़िया था या अब वाला MRF वाला बढ़िया है। बाकी बाहर जाके बाइक की नई लुक दिखाता हूँ, नए तरीके से, नए एक्सपीरियंस से आज की राइड करते हैं, क्योंकि भाई नए टायर के साथ आज की राइड पहली बार होने वाली है, यानी पहली ही राइड होने वाली है। और 20-25,000 चलेगा, तो जैसा भी होगा वो आपको पता लग जाएगा। बाकी चलते हैं बाहर, लेट्स गो। जी गाइस फाइनली घर को कर दिया भाई बढ़िया वाला गुड बाय। और यहाँ देखो भाई, अभी तक सूर्य देवता थे जब तक हम लोग टायर लगवा रहे थे, लेकिन फिलहाल मिस हो चुके हैं, अब जा चुके हैं यार। और थोड़ी देर में भाई धुंध होनी, फोग होनी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ टायर देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है ना भाई। पहले वाले TVS वाले कंपनी वाले टायर से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, चौड़ा पड़ता है। और ये देखो भाई जो ब्लू ब्लू लाइनिंग है ना भाई, सुपर बाइक वाला फील दे रही है, और इसके कट्स अमेजिंग लेवल के। तो गाइज ऑलमोस्ट हम लोग सोसाइटी से निकलने की तैयारी में हैं, और जो भाई फीलिंग है ना नए टायर के साथ, एकदम उछलता कूदता हुआ चल रहा है मस्त तरीके से। यानी आप लोग कह सकते हो भाई, एक तरह से हम लोगों ने ऑफ रोड टायर लगाया है, चाहे पहाड़ों पे जाओ, नदियों के आसपास जाओ, ट्रैकिंग करो, बस बर्नआउट मत मारो भाई, कुछ भी काम करो बर्नआउट मत मारो।
वरना टायर की वही कंडीशन हो जाएगी जैसे कि पहले वाले की थी जब भी हम लोगों ने मेन चेंज कराया भाई। और भाई साहब 5 बजे के अराउंड यानी अपनी इवनिंग राइड पे बिल्कुल चल मौसम हो रहा है, सूर्य देवता ऑलमोस्ट जा चुके हैं अपने घर पे और हम लोग निकल चुके हैं भाई अपने घर से राइड के लिए। जरा यहाँ लाइन अप चेक करो भाई गाड़ियों का, आगे एक एम्बुलेंस खड़ी है भाई, तो इसके पीछे से ट्रैफिक शुरू हो गया है और इसके आगे भी भाई पूरा जैम ही जैम लग रखा है भाई पूरा। और गाइस बाइक पे नया टायर लगाने के बाद बिल्कुल न्यू वाला फील आ रहा है भाई, जैसे आज ही नई बाइक निकलवाई हो, पुराने वाले टायर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, अलग ही लेवल का कंफर्टेबल लग रहा है भाई आज। और गाइस ठंडे मौसम का आपको यहाँ से भी पता लग रहा होगा भाई, अपने इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा क्या मस्त हवा में लहरा रहा है ना भाई। और ब्रो व्हाट्सअप, ठीक हो भाई? बढ़िया। चलो हमने बंदों की बारात तो सुनी थी, अभी देख लो ऊँटों की बारात, क्या मस्त लाइनअप है ना भाई ऊँटों का, जरा चेक करो भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अंकल जी ने दूर से हेलो कर दिया, अपने को वैसे ही मजा आ गया। बाकी बहुत सारे कैमल्स हैं यहाँ पे और यहाँ से आते जाते रहते हैं भाई, यही ग्रीनरी के पास मस्त से व्यू के पास उनका खाना पीना है, इन्हीं लैंड्स को वो चरते हैं यानी इन्हीं घास फूस को वो खाते हैं। लेकिन जो भी कहो भाई कैमल्स की बारात बड़ी सुंदर थी भाई। और गाइज अगर आपको अपनी सिटी में कैमल्स दिख रहे हैं, इतनी सारी ब्यूटीज दिख रही हैं, इतने सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है, नदी दिख रही है और सनसेट वाला तगड़ा सा व्यू दिख रहा है, इससे ज़्यादा हम लोग चाहते भी क्या हैं। होप करता हूँ आपको पसंद आता ही होगा अपना व्लॉग, अगर आता है तो नीचे कॉमेंट कर दो। बाकी नीचे देखो भाई क्या सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डव है ना, डव पक्षी होते हैं भाई वाइट कलर के, होप करता अपनी ऑडियंस को पता ही होगा। और सनसेट वाले व्यू के साथ कितना सुंदर लग रहा है भाई सारा एरिया। तो जी गाइस सीन कुछ ऐसा है, अपनी सिटी में हम लोग राइड कर रहे थे आसपास, बहुत सारे अंकल मिले अपने को। अंकल जी हेलो कर दो एक बार इसमें, हेलो भाई सारे। जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, जो जो अपने को भाई लोग मिलते हैं ना तो उनका नाम लिखते हैं बाइक पे, यहाँ पे लगभग 285 नाम है, 285 1000 नाम लिखने का टारगेट लिया है ना। तो जैसे आप लोग मिल गए तो आपका नाम भी लिख देते हैं, उम्र का कोई मैटर नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक जो भी मिलेगा सभी का नाम लिखते हैं। चलो भाई जय श्री राम कहते हुए मार्कर निकाल लेते हैं आराम से, सभी का एक एक करके नाम लिख देते हैं ना। मास्टर लविश नारंग चैनल का नाम है, 9:30 बजे हर रोज वीडियो आती है, सुबह 9:30 बजे सुबह 9:30 बजे। क्या नाम है भाई आपका? यश मलिक नाम है। आपका नाम भैया? विनय। आपका नाम अंकल जी? रविंदर। ठीक है अंकल जी, मिलके अच्छा लगा आपसे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद अंकल जी धन्यवाद। ठीक है फिर मिलते हैं दोबारा है ना, चलो चलो ठीक है, गुड बाय, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। चलो जी गाइस अपने को दोबारा से भाई लोग मिले हैं, इन दो भाइयों को तो मैं पहले से जानता हूँ है ना, जय और गौतम है ना, पहले भाइयों का नाम लिख रखे अपनी बाइक पे, जय येरा गौतम येरा। एक और भाई मिला है बीच वाला, क्या नाम है आपका? अनुज नाम है। चलो एक बार बूम कर दो बूम, सभी का नाम लिखते हैं भाई, अनुज का नाम लिखते हैं, अनुज का भाई का नाम लिख दिया, बढ़िया अनुज। और कैसे भाई बढ़िया, क्या नाम है आपका? पारस नाम है, भाई का नाम भी लिख देते हैं पारस, भाई को टंकी पसंद आ रही थी है ना, चलो भाई का नाम लिख दिया पारस। आपका नाम? यश। आपका नाम? यश। युवराज यश और युवराज। चलो जी भाई आप सारे बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा है ना, चलो वीडियो आती है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे चैनल है मास्टर लविश नारंग येरा ये लिखा हुआ, ठीक है बाय बाय। चलो भाई एक बार हेलो कर दो सारे, हेलो कर दो, चलो भाई हेलो कर दो, चलो फिर मिलते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं बाय 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 बाय। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे तुम्हारा भाई आ चुका है आज की जबरदस्त राइड से वापस अपने घर पे। और पता है आपको आज हम लोगों ने राइड पे मेन काम किया, बहुत सारे भाई लोगों से मिले, उनका अच्छा सा नाम लिखा अपनी बाइक पे, वो भी खुश हम भी खुश। और साथ में आज के दिन का मेन काम था अपने बाइक का पुराने वाला टायर उतरवाया गया, नए वाला टायर डलवा लिया। बाकी फिलहाल अपना मस्त डिनर का टाइम है,
डिनर में है भाई मशरूम मटर की सब्जी है, साथ में पापड़ है, चपाती है। अभी का टाइम हो रहा है भाई 8:40, लगता है अपने को 12 बजे तक हम लोग सारी चीजें निपटा देंगे, अपना सारा काम एडिटिंग का। सो होप करता हूँ गाइस आज वाला व्लॉग प्लस आज वाला बर्नआउट आपने बहुत ज्यादा पसंद किया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। Yeah, yeah, समी से ऊपर देखो, flying only best class।